आज है अपने पास बजाज पल्सर 400 NS नेकेड बाइक, हाल ही में लॉन्च हुई है। काफी लोगों ने इसे पसंद भी किया है, बहुत प्यार भी दिखाया है। आज जो वीडियो बनने वाला है भाई साहब, वो गाड़ी का बनेगा आज कस्टमर ओनरशिप रिव्यू। इसके मालिक के जुबानी जानेंगे कि ये गाड़ी कैसी है, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये गाड़ी आप लोगों के काम की है या नहीं है, इतने कम बजट में लॉन्च करी है, कहीं चीप बाइक तो नहीं बना दी भाई, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन है कि 400 cc बाइक है लेकिन इतने कम पैसे में लॉन्च करी तो यार हल्की चीज़ें डाल दी होगी, मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था। तो चलिए इनवाइट करते हैं इस गाड़ी के मालिक को, हमारे सार्थक भाई को। हेलो सर। सार्थक भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया सर। अच्छा मुझे बताओ सार्थक भाई, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए, आप क्या करते हो बता दो हमारे दर्शकों को। अभी मैं फिलहाल फुल टाइम जॉब कर रहा हूं और सेकेंड ईयर BCCA स्टूडेंट भी हूं। चलो बहुत बढ़िया, तो आ जाइए गाड़ी के पास। सार्थक भाई कितने दिन हुए गाड़ी के लिए आपने? अभी मैंने 10th of July को बाई की थी ये। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सेवन डेज हुआ है। तो सेवन डेज में कितनी चला ली आपने इसे? मैंने इसको चला लिया 158। 158 किलोमीटर चला लिए, मतलब अच्छा खासा चला रहे हो यार, है ना? क्यों फर्स्ट बाइक है? चलो कांग्रेचुलेशन भाई, देखो फर्स्ट बाइक और फर्स्ट टाइम ही 400 cc आपने लिए। भाई हम तो यार वो TVS बाइक थी मेरे पास में, 2012 में फर्स्ट बाइक जो थी वो मेरे पास TVS बाइक थी 110 cc वाली, तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है आपने डायरेक्ट 400 cc बाइक खरीद ली है। अच्छा ये बात से कितने लोगों ने रिलेट किया था भाई, कमेंट में बताना कि आप लोगों की फर्स्ट बाइक कौन सी थी। मुझे ये बताइए सबसे पहले गाड़ी के लुक के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? फ्रंट लुक बोले तो एकदम सुपर्ब, ये सेगमेंट में ये प्राइस में कोई और कंपनी कभी नहीं दे सकती। जब आपने 400 cc बाइक ली तो बहुत सारे ऑप्शन थे, राइट? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा होड़ मची हुई है 400 cc सिंगल सिलेंडर इंजन की। आपके दिमाग में कौन सी बाइक छपी थी, आपके पास ये गाड़ी कैसे आई, पहले ये हमारे दर्शकों को बताओ। इसके पहले मैंने डोमिना का सोचा था बट वो मेरे बजट से एक्चुअली थोड़ी बाहर जा रही थी। इसके बाद मैंने देखा स्पीड 400 जो है वो देखी बट वो भी थोड़ी बजट से ऊपर जा रही थी। ओके। फिर मैंने R15 के लिए प्लान किया था बट मैंने बोला सेगमेंट से कम है तो उसको मैंने छोड़ दिया। ओके। फिर मैंने जस्ट स्क्रॉल करा था इंस्टाग्राम, फिर इसका लॉन्च इवेंट का मुझे नोटिफिकेशन दिखा। ओके। तो फिर मैं इसके लिए रुक गया, इसका फुल लॉन्च इवेंट मैंने देख चुका हूँ यूट्यूब पे बजाज की तरफ से, और फिर मेरे को पसंद आई और मैंने इसके अगले दिन इसको जाके बुक किया अरुण बजाज से। अब दूसरी बात करते हैं DRLs की। DRLs देखो मैं चश्मा निकाल के देखता हूँ, काफी ब्राइट लग रहे हैं यार ये, बहुत ब्राइट। तो इसके कोई फीचर्स अगर आपको कुछ पता है तो आप बता सकते हैं दोस्तों। फीचर्स मतलब जब अपन रात में नाइट राइड करते हैं और इसका जो प्रोजेक्टर हेडलाइट पे LED है वो ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डीम हो जाते हैं ताकि जो इसकी रोशनी वो बढ़ सके, और मीटर भी इसके साथ साथ थोड़ा सा डीम हो जाता है कि आंखों पे ना आए रात के टाइम पे नाइट राइडिंग। तो भाई बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है, प्रोजेक्टर लाइट की बात आपने करी दी है। कैसा थ्रो है इसका रात में? इसका बहुत प्यारा थ्रो है और इसका जो थ्रो है मेनली फोकस रोड पे है, बाकी जो DRLs रहते हैं वो किसी के आंखों में चले मतलब जाते हैं। मतलब जो किसी के जो प्रोजेक्टर का या कोई भी हेडलाइट्स का जो लाइटिंग रहती है हाँ, वो आंखों पे आती है। ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। अगर सामने वाला पे स्कूटी वाला पे बंदा अगर चला रहा है तो उसके चेस्ट तक ही आएगी, उसके आंखों पे नहीं जाती। तो यार ये चीज बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही बेहतरीन लगी क्योंकि आजकल गाड़ियों में इतनी लाइट आ रही है। अभी मैं आज रात की बात कर रहा हूँ, एक एक्टिवा की इतनी तेज लाइट थी कि यार मैं कार के अंदर से नहीं देख पा रहा था उसको, मेरे को गाड़ी साइड में लगानी पड़ी। तो यार कंपनी वालों को मतलब एक रिक्वेस्ट है ऐसी लाइट बनाओ कि भाई आंखों में ना आए। अब थोड़ा सा भाई नीचे आ जाते हैं और गोल्डन सी बहुत ही प्यारी सी चीज यहाँ पर मुझे लग रही है भाई, इतने कम रेंज में इतने कम पैसे में आप साइड डाउन सस्पेंशन भाई साहब आपको मिल रहे हैं, तो भाई फायदा उठा लो क्योंकि अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको इतने कम बजट में नहीं मिल सकते हैं। अब आपने इसे कच्चे पक्के रोड पे देखो अभी गाड़ी मिट्टी लगी हुई है, ऑफ रोड करके आए हो, अभी आप ऑफ रोडिंग करके आए हो तो भाई आप पूरा खेच के गाड़ी चला रहे हो, मजा ले रहे हो ना। कैसा लगा सस्पेंशन? सस्पेंशन एकदम प्यारा है, सिटी में भी प्यारा है और ऑफ रोड के लिए भी बेस्ट है, और पिलियन के लिए तो और अच्छा है। पीछे का जो सस्पेंशन है वो भी अच्छा, उसके ऊपर भी आने वाले हैं, आएंगे हम, पहले सामने की बात कर लें। राइट, तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा देखो अब इसमें जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही बड़ी एक डिस्क आपको दिख रही है, 322 mm की डिस्क है, 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है। क्या परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग कैसे लगती है आपको? एकदम मस्त। अभी हाई स्पीड में कब ब्रेक किया था? हाई स्पीड में मैंने 80 पे लगाया था। ओके। और 80 से मैं 40 ऑलमोस्ट 1.5 सेकंड के अंदर आ गया था। तो यार ये बहुत ही अच्छा रेशियो है, 80 से 40 विद इन 1.5 सेकंड में आना, तो एक मतलब इतनी बड़ी रिस्क दिया है तो उसके हिसाब से देखो गाड़ी ने फुल ब्रेक नहीं किया था। अगर फुल करता तो और शायद इससे, क्योंकि देखो गाड़ी 400 cc है, भगाने के लिए हम सोचते हैं लेकिन रोकने के लिए भी हमको सोचना चाहिए हमेशा ही।
तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। टर्निंग रेडियस मतलब कैसा लगता है? बहुत कम है। जैसे कई बार हम गाड़ी बैठ यू टर्न लेना पड़ता है, बहुत कम टर्न रेडियस है, क्योंकि नॉर्मल इतनी ये जो बाइक्स आती है ना इनको नेकेड बाइक्स में तो टर्न का जो रेडियस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसका अच्छा खासा लगा आपको? अच्छा खासा है। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है, ये देखो यार बहुत सारी बाइक्स में जो साइड ग्लास होते हैं ना, ये मिरर्स होते हैं साइड मिरर्स, बहुत ही लूज रहते हैं। हाँ। तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद वो कट 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 करते हैं। अगर मुझे इसे राउंड करना है या घुमाना है या एडजस्ट करना है तो भाई काफी अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये चीज काफी फिक्स है और हेवी ड्यूटी है। हेवी ड्यूटी है, मेटल के ना पूरे, बाकी में प्लास्टिक दे देते, बट ये प्लास्टिक नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो में इंट्रो लिया था तो मैंने एक चीप वर्ड का यूज किया था, मतलब यहाँ पर कोई भी चीप पार्ट यूज नहीं हुए हैं। अच्छा खासा भाई देखो यहाँ पर भी कार्बन फिनिशिंग मिल जाती है, तो ये चीज भी काफी सही लगती है। अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल में, इस गाड़ी की अच्छाइयां तो आप बहुत सुन रहे हो ना, लेकिन हम बुराइयां भी जानने वाले हैं। देखो हर एक चीज में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो वो हम बताएंगे, लेकिन पहले अच्छाइयाँ जान लो। बुराइयों का तो आप वेट करने ही वाले, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छाइयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बुराई अच्छी लगती, आप भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। तो चलो अब साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई ना, हर एक आदमी की ज़ुबान से एक ही चीज़ निकल रही है कि इसका इंजन डोमिनोर का है, राइट? या कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा कि डोमिनोर का इंजन है, ठीक है, डोमिनोर और 2009 की ड्यूक वाला, राइट है ना? तो हम यही सुन रहे हैं, लेकिन भाई देखो कंपनी ने इसमें डोमिनोर का इंजन डाला जरूर है, लेकिन इसमें भी अच्छे खासे अपडेट्स किए हैं, अच्छी खासी चीजें डाली है, ट्यूनिंग किया है इंजन में, ट्यूनिंग किया है ना? और कंपनी ने दो चार चीजें बहुत अच्छी डाली है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका अगर एक्सीलेटर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी वायर नहीं है, सेंसर के थ्रू कंप्यूटराइज चलता है ये एक्सीलेटर, आप कितना आरपीएम दे रहे हो और कितना एक्सेलरेट कर रहे हो तो सिस्टम को पता चलता है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे भी, और स्लीपर क्लच जैसा एक बहुत बड़ा फीचर दे दिया है ना, एडजस्टेबल, वो भी एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ भाई इतने कम पैसे में मिल रही है तो लूट लो ऑफर, इसके बाद क्या पता कब मिलने वाला है आपको, कंपनी कभी भी रेट बढ़ा सकती है, तो भाई आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि साइड में आपको क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगती है? सबसे बेस्ट साइड प्रोफाइल इसके अच्छे ये जो श्राउड्स है ना जो बाहर निकले, लाइक कुछ लोग बोलते हैं ये 200 जैसी दिखती है, बट ये बिल्कुल नहीं है। इसके यहाँ से श्राउड्स देख लो आप, यहाँ से देख लो, ये कार्बन फिनिश देख लो, ये यूनिक बना दिया भाई, बना दिया इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर कूलेंट चेंबर मिल रहा है, मतलब गाड़ी आपकी लिक्विड कूल है। यस, आपका जो इंजन है लिक्विड कूलर मिल रहा है, ना कि एयर कूलर मिल रहा है। इतने कम पैसे में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है भाई, नहीं दे रही है, और दे भी नहीं सकती, और दे भी नहीं सकती भाई, इंडियन कंपनी है और इंडियन रोड के हिसाब से बनाया है। जैसे कि अगर आप इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ना भाई, बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस बनाया है, आप इससे ऑफ रोड भी कर सकते हो। हमने कुछ देर पहले ही इसमें ऑफ रोडिंग करके देखी है आसपास, आप देख सकते हो पूरे धूल मिट्टी इसमें कीचड़ लगा हुआ है, तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। रियर साइड का जो सस्पेंशन है इसको आप 6 स्टेप्स में एडजस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट लगी मुझे भाई। आप पीछे बैठ के देखा आपने कभी? पीछे बैठा तो नहीं हूँ, बट जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं उनके हिसाब से तो कंफर्टेबल है भाई, कंफर्टेबल लगता है उनको, मतलब कई बार तो पीछे मजा नहीं आता। कुशनिंग्स वगैरह है वो भी अच्छी, और पोस्चर भी अच्छा है इसका। एक बार मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये जो सीट्स है ना भाई ये नॉर्मल कपड़ा वपड़ा नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि कोई कपड़ा लगा के दे दिया क्योंकि कंपनी ने इतने कम पैसे में लॉन्च किया है, भाई प्रॉपर चीज है यहाँ पर, प्रॉपर सीट बनाई गई है और बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिलता है, स्प्लिट सीट मिलती है। ये कंपनी ने चेंज कर देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। नहीं बट अगर एक डीएन है जो एनएस का डीएन है इसमें, उसी हिसाब से तो बेस्ट है, उसके हिसाब से बेस्ट है। सामने हर एक बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, आती है, इसमें भी आएगा, कोई इशू नहीं है, देख लेंगे देख लेंगे। ये बात देखो भाई जिगरा बड़ा होना चाहिए, गाड़ी का मेंटेनेंस आपको अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो सबसे बढ़िया गाड़ी कंपनी कोई गाड़ी गंदी और खराब नहीं बनाती, नहीं बनाती है। हम बनाते हैं उसके बारे में गलत और वगैरह सारी चीजें बोल के, क्योंकि हर किसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। आपको 400cc चाहिए थी तो आपको 400cc आपके क्राइटेरिया में गाड़ी बैठ गई। देखो भाई ये चीज काफी सही लगी, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल भी मिल जाता है आपको, और लेकिन काफी लोग कंफ्यूजन है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा NS 400Z पल्सर बजाज के नाम से ये गाड़ी आपने मार्केट में सुनी होगी, और जब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसी नाम से करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इंजन की अगर हम बात करें तो 373cc का आपको यहाँ पर इंजन मिलता है, जिसमें 40 PS का पावर और 35 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं रियर साइड की डिस्क ब्रेक की। भाई रियर साइड की ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो आप बुराई की बात कर रहे थे बाइक में, वो पहली बुराई जो है वो इसके डिस्क ब्रेक में है। ओके, लाइक मैं इसके डिस्क ब्रेक से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो रियर ब्रेक है,
और इसके सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये जो लगने में ना बहुत टाइम लेते हैं और इनका रिस्पांस थोड़ा लो है, लेट है। बाकी जो 400cc उनके मेरे हिसाब से ब्रेक जो है रियर ब्रेक वो स्ट्रांग है, इसके थोड़े से लो साइड पे है रिस्पांस। नहीं ये भी हो सकता है कि नई गाड़ी है। हाँ ये भी हो सकता है, बट अभी तक तो मुझे अभी तक लाइक ऐसा लगा है कि इसके ब्रेक और थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए था। राइट तो आप शोरूम में जब फर्स्ट सर्विस करने जाओगे तब आप बोल सकते हो, तब बोल सकते हैं। राइट भाई रियर साइड में आपको 230mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ड्यूअल चैनल ABS भी मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। भाई ट्रैक्शन कंट्रोल यूज किया आपने अभी तक? हाँ वो स्विचेबल है, लाइक वो ऑफ रोड मोड और जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें ही ऑफ होता है, ओके बाकी टाइम ऑलवेज ऑन ही रहेगा वो, क्योंकि ट्रैक्शन की जरूरत तो होती नहीं है हमको ऑफ रोड करने में। अभी जब हम चला रहे थे तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो गया था। हाँ उसके सेंसर ऑटोमेटिकली वर्क करने लग गए थे, जैसे मैं कीचड़ से प्रोफाइल मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की। भाई आवाज कैसी लगती है आपको इसकी? मुझे तो एकदम टिपिकल डोमिनार का DNA लगता है इसका एग्जॉस्ट में। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी इसका कम है बट एडजस्टेबल इसलिए है क्योंकि इस डोमिनार में अगर आपने देखा होगा तो एग्जॉस्ट दो पाइप वाला है बिल्कुल, और इसमें सिंगल है वो भी अंडर वैली एग्जॉस्ट, अंडर वैली एग्जॉस्ट है, तो उस हिसाब से एकदम मस्त है, एकदम लाउड है, क्रिस्प साउंड है। एक बार चालू करके दिखाओ ना यार। चलेगा भाई आपको तो ये एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल पसंद आया होगा, हमारे भाइयों को पसंद आया है या नहीं आया कमेंट पे जरूर बताना, जरूर बताना कमेंट करके। भाई मेन स्टैंड पे लगाओ ना इसको। मेन स्टैंड इसमें आता है नहीं बट कंपनी ने इसका भी ऑप्शन दे रखा है, अगर अपने को चाहिए तो अपन बाद में इसका मेन स्टैंड लगा सकते हैं। वैसे तो 400 कैटेगरी में मेन स्टैंड आता नहीं है तो बजाज ने इसमें भी नहीं दिया है बट ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको, आप ऐसे एक्सेसरीज इसमें ले सकते हो और मेन स्टैंड लगा सकते हो। और भाई देखो मेन स्टैंड के ऊपर की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है। सबसे पहले ना मुझे ये जानना है कि भाई इस गियर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, बताओ हमारे दर्शकों। जो अपन बुराई की बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट था रियर ब्रेक, सेकंड पॉइंट है इसका गियर। अभी ये मेरे बाइक में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट इसका गियर ना थोड़ा सा साउंड कर रहा है, जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं जो आवाज आती है ना वो आ रही है, लाइक अपन सेकंड से थर्ड पे जाते हैं ना तो मेनली आवाज देखने को मिलती है और थोड़ी ज्यादा है। अभी मुझे ये नहीं पता ये अभी हो रहा है, सर्विसिंग के बाद ठीक हो जाएगा, मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है बट जब भी होगा तो देखेंगे। बट अगर विदाउट सर्विसिंग भी ये ऐसी चल रही है तो मुझे इससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन थे कि आवाज नहीं करेगा, 400cc है बट ठीक है, एडजस्टेबल है, प्राइस के हिसाब से सब माफ है इसकी। नहीं नहीं सब माफ नहीं है, मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ, जब आप सर्विसिंग करने जाओगे ना तो आप उनको बोलना खुद से, अगर आप नहीं बोलोगे आपको लगता है कि सर्विसिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, नहीं क्योंकि सर्विसिंग में उसको हाथ ही नहीं लगाने वाले। अच्छा चलो ये तो आपने बता दिया। इसका टैंक अगर आप देखो ध्यान से तो 12 लीटर का टैंक है और E20 सपोर्ट करता है, सिटी के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर कहीं निकल गए तो आपको हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे गाड़ी का जो टैंक है 12 लीटर का है, फ्यूल कैपेसिटी कम है, कम है। राइट लॉन्ग ड्राइव पे अगर कोई भी इस गाड़ी को लेके जाता है तो भाई कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई देखो सिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अच्छा माइलेज की अगर हम बात करें भाई, आप 150 किलोमीटर में क्या ही माइलेज निकलता होगा, नहीं निकलता, है ना? राइट। लेकिन फिर भी आपने कुछ ना कुछ तो निकाला होगा। मेरे शेड्यूल में से मैंने जितना राइड किया है 150-158 हुआ है फिलहाल, बट माइलेज की अगर बात करूं तो मुझे फर्स्ट डे 22-24 तक मीटर में डिस्प्ले हो रहा था बट अभी मैं जैसे ही चला रहा हूँ, मेरे जैसे 100 किलोमीटर क्रॉस हुए तो मुझे 26-27 का भी दे रही है फिलहाल। सर्विसिंग के बाद खुलेगा ये तो बात है बट अभी तो मुझे 26-27 ये बाइक एक्सपेक्ट कर रही है माइलेज। तो भैया बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, क्योंकि गाड़ी में आते हैं टोटल 4 मोड्स और इस मोड के बारे में भी हम आपको बता देते हैं और आपने यूज भी किए होंगे इसको, क्योंकि देखो मोड है तो यूज करना बनता है। हाँ तो आपने किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी हम आपसे जानेंगे। TFT स्क्रीन मिल जाती है, एक बार आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देते हैं भाई किस तरीके का है। सो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये डॉट मैट्रिक्स वाला डिस्प्ले है, इसमें अभी मेरा ट्रिप पे दिखा रहा है एवरेज स्पीड दिखा रहा है, ये मेरी फ्यूल इकोनॉमी है जो अभी 26 KMPL की आ रही है, और ये ट्रिप पे मैं कितना चल चुका हूँ अभी तक 158.3 किलोमीटर अभी तक मैंने ये बाइक को चला रखा है। राइट अभी मोड्स एक बार दिखा दीजिए। मोड सेट करने के लिए बेसिकली ये बटन पे आना पड़ेगा अपने को, हाँ सेट वाले बटन दबाइए और व्हीकल इन्फो में जाना पड़ेगा, इससे जाना पड़ेगा अपने को राइडिंग मोड में, ये रहे यहाँ पे चार मोड। ये रोड जो अपन सिटी में यूज करेंगे, ये स्पोर्ट्स मोड जो अपने को भगाने का मन करे तो अपन करवा सकते हैं, और ये रेन मोड है, रेन मोड में लाइक इसके जो ABS और जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, ABS बढ़ जाती है और थ्रोटल रिस्पॉन्स है जो कम हो जाता है,
और इसका जो लास्ट मोड है वो है ऑफ रोड मोड, जो अभी लगा रखा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग करके आया हूँ। ओके बाइक की डिस्प्ले में क्या क्या मिल जाता है? डिस्प्ले में यहाँ पे लाइक अपन, मैं फिर से एक बार आपको डिस्प्ले ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे गियर पोजीशन आ गया, जो न्यूट्रल जो इंडिकेशन होता है वो आ गया। यहाँ पे ABS है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, इंजन मैल फंक्शनिंग लाइट है, ये कूलेंट टेम्परेचर का लाइट है, और ये अपने हजार्ड। और यहाँ पर ये पोजीशन भी दिखा रहे हैं कि भाई कौन से गियर में है। राइट, ठीक है। ओडोमीटर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, और चारों मोड यहाँ पर अभी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बीच में आपको स्पीड मिल जाती है। और इसका एक और अच्छी फीचर बताओ, जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इसमें वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे आपको फोन का बैटरी परसेंटेज भी दिखा देगा, और नेटवर्क भी दिखा देगा फोन का, और अगर कोई मिस कॉल आ गया तो वहाँ पे भी अलर्ट दिखा देगा। अलर्ट दिखा देगा कि भाई आपके फोन पे कोई अलर्ट आया हुआ है या कोई मिस कॉल आई है, तो आप चेक करिए। और साइड स्टैंड का वार्निंग भी दिखाई रहा है। और भाई ये बहुत बेहतरीन चीज लगी मुझे, बहुत अच्छी चीज है। मैं जो बाइक लिया था वो लिया था लॉन्ग राइड्स के लिए, और लाइक मेरा प्लान भी है लद्दाख वगैरह करने का बाइक से, तो इससे मैं अपना जो भी गैजेट्स है, फोन कैमरा, वो सब चार्ज कर पाऊंगा। तो भाई गाड़ी का कंफर्ट अभी चेक करते हैं। देखो हमने हेलमेट अभी पहने नहीं है, तो अभी हम वैसे भी ग्राउंड में ही चला रहे हैं, तो हमको अलाउ करना है भाई। तो आप मुझे बताओ सार्थक भाई, हाँ, कि इस गाड़ी में जब आपने इंस्टेंट ब्रेक लिया था, हाँ, तब आपकी गाड़ी स्किड हुई थी क्या? नहीं, स्किड तो अभी तक कोई इशू नहीं लगा मुझे स्किड का, एक छोटा सिंगल भी इशू नहीं लगा स्किड का, ना रेन में लगा है, ना रेन मोड में लगा है, ना स्पोर्ट्स में लगा है। और पीछे बैठ के क्या महसूस कर रहे हो अभी आप? पीछे बैठ के तो मुझे मेनली तो इसके सस्पेंशन हाईलाइट हो रहे हैं, जो कि एकदम स्मूथ है, बहुत स्मूथ है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसमें, हाँ, कि भाई इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना, उसको आप सिक्स स्टेप में भी एडजस्ट कर सकते हो। यस। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाइट पे भी अगर आप महसूस कर रहे हो, हाँ, तो उसको आप थोड़ा डाउन कर सकते हो, तो ये चीज काफी सही है। देखो कम्फर्ट तो है गाड़ी में, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक हमने पहले छोड़ा हुआ है। सार्थक भाई आपको इस गाड़ी में देखो दो बुराइयां तो आप बता चुके हो, सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है आपको? सबसे बढ़िया चीज जो है वो है इसके हजार्ड। Okay. जब मैं अभी देखो हजार्ड ऑन है, अभी की लगी हुई है, right. मैं की निकाल दूंगा तभी भी इसके हजार्ड ऑन रहेंगे। ओह ये तो बड़ा कूल फीचर है यार, ये कार्स में भी होता है, पता आपको? में भी होता है, राइट। पर ये बजाज ने बाइक में दिया, बाइक में दिया है सेगमेंट में, ये बजट में, तो यार ये काफी सही चीज लगी। सार्थक भाई, हाँ, मुझे एक बात बताओ यार, सामने जो यहाँ पे फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड का जो क्लच लीवर, हाँ, और ये जो ब्रेक लीवर जो है, हाँ, इनको हम अपने कंफर्ट के हिसाब एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी फाइव स्टेप में, फाइव स्टेप्स में कर सकते हो। अभी तक आपने किया है? हाँ, अभी तक किया है मैंने, अभी ऑलरेडी इसको फाइव पे सेट कर रखा है, जो कि बहुत पास होता है। okay. लाइक मेरा हैंड आप देख सकते हो छोटा, अभी आप देखो मेरा हैंड बहुत फर्क है, सो इस हिसाब से मैंने अभी इसको फिफ्थ पे कर रखा है, फिफ्थ यानी पास होता है, और वन टू थ्री दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि जब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हो ना, बहुत सारी बाइक्स के बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, राइट, और कुछ कुछ बाइक के बहुत दूर होते हैं, हाँ, जो हमारे जैसे जो शॉर्ट हैंडेड राइडर्स है उनको लाइक थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये बजाज ने वो भी सॉल्व कर दिया है। तो भाई इतने कम पैसे में इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। भाई इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है 1,85,000, राइट। आपको ऑन रोड नागपुर में कितने की पड़ी? मुझे ऑन रोड नागपुर में पड़ी है 2,35,000 और 300 रुपीज में, ऑलमोस्ट 2,36,000 ही बोल सकते हैं, क्योंकि बाद में भी एक दो चीज एक्स्ट्रा लगती है, जैसे कि आपको मतलब कितना कितना क्या क्या आपने खर्चा किया इस पे? टोटल 1,85,000 जो बाइक का प्राइस है, बाकी 22,300 समथिंग जो है वो इंश्योरेंस का लगा है, और 22,000 समथिंग RTO का लगा है, बाकी एसेसरीज जो है 1,200-1,300 समथिंग, और ये नंबर प्लेट मैंने जो एक्स्ट्रा लगवाया, जो केसिंग देख रहे हो 250, और जो स्मार्ट कार्ड आता है अपने RTO का, उसके भी 200-300 समथिंग चार्जेस लगे हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे 2,36,000 में आ गई है। तो 2,36,000 रुपए में अपने भाई को ये गाड़ी पड़ी है, पड़ी। दोस्तों आज का ये कस्टमर ओनरशिप रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ऐसे ही वीडियोस दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगर हमारा कॉन्टेंट आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।